करनाल के रहने वाले 15 साल के शूटर अनीश भानवाला ने 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीतकर रचा नया इतिहास। सबसे कम उम्र में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने अनीश भानवाला। ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में चल रहे 21वें कॉमनवेल्थ खेलों में हरियाणा का दबदबा। पहलवान बजरंग पुनिया ने दिलाया 17वां गोल्ड। फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम भार वर्ग में बजरंग ने एक तरफा मुकाबले में चेन चैरिंग को 10-0 से दी मात। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का एक और सिल्वर मेडल पक्का हो गया है। भिवानी के देवसर गांव के मनीष कौशिक बॉक्सिंग के फाइनल में पहुंच गए हैं। मनीष का फाइनल मुकाबला 14 अप्रैल को ऑस्ट्रेलिया या फिर स्कॉटलैंड के बॉक्सर के साथ होना है। गुरुग्राम में सीएम खट्टर ने कूड़े से बिजली उत्पादन करने वाले भारत के सबसे बड़े बिजली प्लांट की आधारशिला रखी। बंदवाड़ी में शुरू होगा ये प्लांट, रोजाना बनेगी 10 मेगावाट बिजली। कूड़े से बिजली उत्पादन करने वाले संयंत्र का आसपास के ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। सीएम खट्टर ने ग्रामीणों को चाइना जाकर प्लांट देखने का ऑफर देते हुए कहा कि अगर फिर भी संतुष्टि न हो तो प्लांट को थोड़ा शिफ्ट करेंगे, लेकिन प्लांट बंदवाड़ी में ही बनेगा। गुरुग्राम में फोर्टिस हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजी विभाग के 2 डॉक्टरों को गिरफ्तार किया गया है। डॉक्टरों पर हार्ट की पेशेंट का सही इलाज न करने का आरोप है, जिसके चलते महिला मरीज की जान चली गई थी। चरखी दादरी में सरकारी नौकरी के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। पटवारी की सरकारी नौकरी के नाम पर 3 युवकों से 6 लाख रुपए की ठगी की गई है। इस मामले में सीआरपीएफ जवान समेत 2 लोगों पर केस दर्ज हुआ है। भारत बंद के दौरान हुई हिंसा को लेकर दर्ज एफआईआर रद्द करने के लिए दलित संगठनों ने सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। हिसार में दलित मंच ने दलितों के खिलाफ दर्ज मामलों को रद्द करने और भारत बंद के दौरान मारे गए लोगों को मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग की है। रोहतक में दुकानदार को बाइक सवार बदमाशों ने मारी गोली, गोलीबारी में एक ग्राहक भी घायल। मामले की जांच में जुटी पुलिस। रेवाड़ी में पीएनबी बैंक के अंदर लूट, बदमाशों ने 21,76,000 रुपए की लूट को दिया अंजाम। सर्कुलर रोड स्थित पीएनबी बैंक की घटना, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी वारदात। पानीपत नगर निगम की कारगुजारियों से नाराज होकर अब बीजेपी निगम पार्षद, गणमान्य व्यक्ति और डॉक्टर खुद शहर के नालों की सफाई कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि अफसरों और नेताओं के रवैये से आहत होकर ये सब करना पड़ रहा है। सोनीपत के गन्नौर कस्बे में बादशाही रोड पर खेतों में आग लग गई। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने घंटों की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक 5 किसानों की करीब 10 एकड़ गेहूं की खड़ी फसल जलकर राख हो गई। किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है।